हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू इलाज इन हिंदी में। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसा घरेलू इलाज लेकर आए हैं, ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, इसकी मदद से आप अपनी त्वचा को चमकदार, गोरा व अच्छा बना सकते हैं। यह नुस्खा आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, जैसे पिम्पल्स, ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल्स आदि को। तो आइए शुरू करते हैं, हमें हमारे नुस्खे में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहली चीज़ है योगर्ट यानी दही। दोस्तों, दही में जो तत्व होते हैं वो हमारी त्वचा को शाइन प्रदान करते हैं और त्वचा में नमी लाते हैं, साथ ही साथ यह त्वचा के रोम छिद्रों को भरने में भी बहुत काम करता है। और दूसरी चीज़ है हमारी हल्दी यानी टर्मरिक। टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। एंटीबैक्टीरियल मींस यह हमारी फेस के, हमारी त्वचा में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से पिंपल्स होती है उनको हटा देता है, जिससे पिंपल्स नहीं होती है। और हमारी जो तीसरी चीज़ है वो है आटा। आटे में बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा को बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, यानी बहुत ही सरल तरीके से वो हमारी स्किन को साफ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इस नुस्खे को बनाते कैसे। इसके लिए हम आधा चम्मच आटा लेंगे, उसके बाद एक से दो चुटकी हल्दी, और उसके बाद एक चम्मच दही। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका यूज़ आप अपने हाथों पर, पैरों पर और फेस पर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से आपकी स्किन प्रॉब्लम्स दूर करेगा, आपकी स्किन को गोरा बना देगा। इसका यूज़ करने से पहले आप अपने हाथों, पैरों और फेस को ठीक तरह से साफ पानी से धो लीजिए। और इसका यूज़ आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और सिर्फ दिन में 1 बार इसका यूज़ करें, वो भी नहाने से पहले। तो ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। इसको हम एक कॉटन की सहायता से लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। और इसको ऐसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में इससे मसाज करेंगे। इसको आपको ठीक से मसाज करनी है। आप अपने फेस पर करना चाहें तो फेस पर करें, लेग्स पर करना चाहें तो लेग्स पर करें, हैंड्स पर करना चाहें तो हैंड्स पर करें, यह सभी जगह काम करेगा। इसे आप 15 से 20 मिनट तक करें, और उसके बाद अपने हाथ, लेग या फिर आपने जहाँ पर भी यूज़ किया है इसे, उसे साफ़ पानी से धो लें। ध्यान रहे कि सिर्फ साफ पानी से धोएं, किसी भी साबुन या फिर शैम्पू का यूज़ ना करें। उम्मीद है आपको हमारे नुस्खा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे बहुत ही आसान व बहुत ही घरेलू नुस्खे आपको बता सकें। और यदि आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट करें और हमारे यह सारे नुस्खों को देखें। हमने बहुत ही सरल, बहुत ही आसान व बहुत ही घरेलू नुस्खे हमारे चैनल पर डाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।